दोस्तों कस्टम यूआरएल बनाना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे आप एक क्लिक करोगे आपका कस्टम यूआरएल बन जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से अगर आप अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका आज की वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आपको कस्टम यूआरएल बनाने से पहले कुछ बेसिक सी मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कंप्लीट नहीं होंगे तो आप कस्टम यूआरएल नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरा स्टेप है कि आपके YouTube चैनल का नाम यूनिक सा होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आपने नाम रख दिया, वो कुछ यूनिक सा नाम रखना। जैसे मेरे YouTube चैनल का नाम ले लीजिए टेक्निकल हरीश, और दूसरे चैनल का नाम है टेक्निकल हरीश कुमार। तो मतलब ऐसा कुछ यूनिक सा नाम आपके चैनल का होगा, तभी आप कस्टम URL बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल मैं बताने वाला हूँ कि कस्टम URL आप किस तरीके से बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक्निकल हरीश। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं। और उसके बाद आपको करना क्या है, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है और यूट्यूब जो बीटा स्टूडियो है वहां पर आपको चले आना है। अगर आपको यहां पर आना नहीं आता या यहां से आप नहीं आ पा रहे हैं गूगल के थ्रू अपने YouTube बीटा स्टूडियो में, तो आप मुझे कमेंट करना, एक वीडियो मैं आपको इस टॉपिक पर भी बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा YouTube लाइब्रेरी का, इससे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने तीन ऑप्शन ऊपर आ जाएंगे, लेआउट, ब्रांडिंग, ऑन बेसिक इन्फो। तो आपको बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके यूट्यूब चैनल का यूआरएल कुछ इस तरीके के दिखाई देता होगा, बहुत बड़ा होता होगा। तो यहाँ पर आपका देख लीजिए नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और ऑटोमेटिक, अगर आपके, मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके यूट्यूब चैनल का नाम यूनिक सा होगा तो ऑटोमेटिक ये यूट्यूब आपको प्रोवाइड करवा देगा आपका कस्टम यूआरएल, ठीक है। तो अगर आपके यूट्यूब चैनल का यूनिक नाम नहीं है तो वो उसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर आप खुद से अपना कोई नाम रखना चाहते हैं तो नीचे वाले डब्बे पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने YouTube चैनल का कुछ भी XYZ नाम रख देना है, जो आप रखना चाहते हैं कस्टम URL जो नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी XYZ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले पर ही क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर पब्लिश का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे आप पब्लिश करोगे, पब्लिश नहीं करोगे तो आपका कस्टम URL नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कन्फर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और आपका कस्टम URL ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे YouTube चैनल का कस्टम URL रेडी हो चुका है। ये देख लीजिए नीचे हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी मिल चुका है। अब कि हम इसको डिलीट करके दूसरा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। इसको मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर ले जाकर इसको पेस्ट करके देखते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल आता है या नहीं आता है। जैसे मैंने इस कस्टम URL को पेस्ट किया है, देख लेते हैं हमारा चैनल आया है या नहीं आया है। तो ये देख लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिक आ चुका है, मतलब हमारा कस्टम URL बन चुका है। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल का कस्टम URL बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।